तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मतदान के लिए ईवीएम मतदान केंद्र पर पहुंच गई हैं। अब बस आपको बटन दबाना है और अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनना है। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को होना है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से ईवीएम मशीनों के वितरण का केंद्र बनाया गया। सुबह से ईवीएम मशीन मतदान दल के साथ वितरित की गई। मतदान केंद्रों पर बैठने वाले बीएलओ का कहना है कि हमें पहले से ही ईवीएम मशीन को लेकर जानकारी और ट्रेनिंग दी गई है। आज पर्ची के आधार पर हमें ईवीएम मशीन समेत पूरी सामग्री मुहैया कराई गई। कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह समेत सभी अधिकारियों ने इसका जायजा लिया और व्यवस्था को पूरे तरीके से सुदृढ़ माना। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा और अभी 2 घंटे में सभी पार्टीज रवाना हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे मतदान केंद्र पे भी सारी व्यवस्थाएं, उसको हम लोग एक बार चेक करेंगे और कल सभी लोगों से आग्रह आएं और अपना बहुमूल्य मतदान करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।